पापा से इंतजार करेंगे। मगर इतनी रात हो गई है, कैसे जाएंगे? जैसे पहले जाती है माधु के साथ, सामने तो जाना है। चाची चाची मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। माँ तुम चाची को फोन कर दो ना। गीता यहीं रहेगी, गीता यहीं रहेगी। हेलो, अच्छी बात है, सुबह जरा जल्दी भेज दीजिएगा। नमस्ते। किसका फोन था? शोभा दीदी का। गीता आ गई हमारी, बच्चे ने शुरू किया। अभी पकड़ता हूँ, अभी पकड़ता हूँ, अभी पकड़ता हूँ। नहीं पकड़ता भैया, लगी तो नहीं, लगी कि नहीं, अभी दिल बताता हूँ। मार डाला, अशोक ने मुझे खत्म कर दिया। क्या हुआ मामा, क्या हुआ? मार डाला और पूछता क्या हुआ, वो तो मेरी जान लेकर छोड़ेगा। नहीं मामा, कुछ तो भी नहीं हुआ, ठीक हो जाओगे। नहीं मामा, कुछ भी तो नहीं हुआ, ठीक हो जाओगे। क्या ठीक हो जाऊंगा, खा जा, मैं अभी जाकर तेरे माँ से कहता हूँ। डरो नहीं भैया, मैं माँ से खुद कहूँगा कि मामा को कुछ लगे भी नहीं और यूँ ही चिल्लाने लगे। अरे बता लो, अभी तक नहीं सोया? सब देखो खेल खेल खेल, स्कूल में मास्टर भी बोला शाम के 5 बजे तक खेलना चाहिए, 8 बजे खाना खाना चाहिए और 10 बजे सो जाना चाहिए। चलो चलो सो जाओ। हार्ट अटैक, तुम्हारे लाडले बेटे अशोक ने मेरे हार्ट पर अटैक किया। तो किया क्या ये तो कहो। अरे इतनी जोर से मेरे दिल पर तकिया फेंक कर मारा कि मैं सीधा यहाँ चला आया, वहाँ ठहरता तो कहीं और पहुँच जाता। तुम तो हमेशा उसकी शिकायत करते रहोगे। अरे शिकायत क्या करूंगा, जानता हूँ अशोक को न तुम्हारी जैसी माँ मिलेगी और न तुम्हें अशोक जैसा सौतेला बेटा। भैया तुम उसे सौतेला समझते होगे, मेरे लिए जैसा अरुण वैसा अशोक। मेहरबानी करके शांति से रहो, शांति से रहने दो। हाँ शांति से तो रहना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन अशोक हमेशा के लिए शांत कर देगा। अरे माधव सुन, मुझे फिर से भूख लग गई है, कुछ खाना वाला बचा है? मामा जी हाँ। आज मैं अनाज वाले का बिल देने गया था, देखा तो वो दोपहर के 2 बजे बैठ कर मुंह धोता है। मैंने उससे पूछा, भाई ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम खाते क्यों नहीं? हमको बोला कि ये अनाज हमारा हमारे लिए नहीं होता, जनता के लिए होता है। मामा जी वो फिर भीगे हुए तने हाथ में लेकर सोचने लगा और कहने लगा चलो और रात को खा लूंगा। मैंने कहा भाई तुम जिनका खाना रात को खाता है तो रात का खाना कब खाएगा? मामा जी वो कहने लगा आज सोमवार है। माधो तू बहुत लंबा करता है, अरे साफ साफ ये क्यों नहीं कहता कि खाना नहीं बचा? अरे कोई है घर में? कोई जवाब नहीं देता, सब के सब मर गए, सब कुछ साथ घूम गया। इतनी देर से चीख रहा हूँ, किसी का कोई पता नहीं। आ सुन रही हूँ, क्या चाहिए आपको, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? शोर मचा रहा हूँ, बेकार शोर मचा रहा हूँ, मुझे शराब चाहिए। आप इतनी पीकर आए हैं कि अभी तक क्या सुन सकी? नहीं मैं अभी और पीऊंगा, शराब दे मुझे। देखिए तमाशा बनाइए, बच्चे जाग रहे हैं। जहन्नम में रहे बच्चे, मुझे शराब चाहिए। बच्चों को नींद नहीं आती तो मैं जहर देकर सुना क्यों नहीं लेती? आप बच्चों को ऐसा मत कहिए। कहूंगा, जरूर कहूंगा। तू तो रोकने वाली कौन होती है? मैं उनकी माँ हूँ। माँ पहले एक बच्चा छोड़कर मर गई, एक बच्चा छोड़कर तू ही मर जा, 36 माएं मिल जाएंगी। अरे तो 2 बरस में टीबी हो गई थी, तुझे भी जब पी लेंगा। बाबू जी आज ही पीकर आए हैं, चाचा जी क्यों पीते हैं, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये अमीरों का शौक है, तुम हम खास बात पर झगड़ा क्या करती हो? भाई साहब उठिए चलिए। कहाँ चलो, आपको शराब पी है ना, चलिए आप मेरे साथ, मैं पिलाऊंगा, मार भी डालूंगा। शाबाश बेटा, तू तो बिल्कुल बावर्ची बन गया, डबल रोटी ऐसे काटे हैं जैसे तिल के टुकड़े। अंडा, अंडा ऐसे ही बनाना चाहिए। तू आज बिल्कुल बोलता ही नहीं, बात क्या है? मेरे बच्चे मैं कर रहा हूँ हलवा, क्या रखा? उठा ले गया।
अरे मेरा क्या, मैं तो मामा हूँ, बच्चे खा लेंगे तो मेरा भी पेट भर जाएगा। तुम अभी तक सोए नहीं बेटा, 12 बज गए हैं। बाबू जी अब तक नहीं है? पर सब आते ही होंगे, उनके आने का वक्त हो गया है। रोज इतनी देर से क्यों आते हैं माँ? वो दिन भर काम से थक जाते हैं ना, तो फिर अपने दोस्तों में बैठ जाते हैं, बस अब आते ही होंगे। लेकिन घर में आप झगड़ा क्यों करते हैं? झगड़ा करने के लिए बाहर जाएंगे क्या? माँ रोज तुम्हें क्यों मारते हैं? माँ उनकी मर्जी। ये बात अच्छी नहीं है माँ, मैं उनसे पूछूंगा। नहीं अशोक, ऐसा नहीं करते। आपको तो आदत हो गई, घर में पाँव रखते ही आप सबका बुरा जाने लगते हैं। तो घर वाले कौन सा हमारा अच्छा चाहते हैं? सत्यानाश हो जाए इस घर का, हमको शराब तक नहीं पीने मिलती इस घर में। ये घर है, कोई शराब खाना तो नहीं। भगवान न करे घर का सत्यानाश हो, क्या बुरा चाह है किसी ने आपका? तुम लोग सब चाहते हो हमको शराब ना मिले, हम कंगाल हो जाएं, मोहताज हो जाएं, पीने को नहीं मिले। किसने रोका है आपको? रोज तो आप पीते हैं, लेकिन ऐसा पीना भी किस काम का कि आदमी घर के लिए मुसीबत बन जाए? मुसीबत? हम तेरे लिए मुसीबत है। बोलिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, आप पूछने लगे। कौन पूछता है? एक एक का सर फोड़ डालूंगा, घर का मालिक मैं हूँ, कौन पूछ सकता है मुझसे? बोलती क्यों नहीं? बाबू मत मारिए बाबूजी। बाबूजी के बच्चे मुझे रोकता है, हाथ भर कर छोड़िए मत, तेरे भी ये खबर ले लूंगा। एक एक करके सबकी छुट्टी करेगा, तुमको कब से समझा रहा हूँ लेकिन तुम समझती ही नहीं। क्या किया उसने भैया? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और कुछ किया ही नहीं। आज बाप को मार डाला, कल भाई को मारेगा, तुम्हें खत्म करेगा, फिर मुझे साफ करेगा। तुम उसे कलेजे से लगाए फिरती हो, दूसरी कोई माँ होती तो उसे फांसी पर चढ़वा देती। पुलिस से ये क्यों कह दिया कि भाई साहब एक्सीडेंट से मर गए? और क्या करती, कुछ गलत कहा मैंने? तुम चाहो तो पुलिस से जाके कह दो कि इसने अपने बाप को मार डाला है, मगर फिर उसके बाद मैं तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ वो तो मैं जानता था, अशोक के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं सुन सकोगी, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ, अपना फर्ज समझ कर कहता हूँ। कहने की कोई जरूरत नहीं, अशोक से दुश्मनी करके तुम अशोक के घर में नहीं रह सकते हो। यहां रहना हो तो सीधी तरह से रहो, नहीं तो तुम जा सकते हो भैया। मैं बोल रहा हूँ बापू जी, मुझे जमा कर दीजिए, मैंने आपको मारा अशोक से। क्यों? कुछ नहीं माँ, मैंने बापू जी को मार डाला। कौन कहता तुमने मार डाला? अब खेल का दिन गुजारने से काम नहीं चलेगा बेटा, समझ ले ये घर तेरा है, घर संभाल, माँ को संभाल, नहीं तो तेरा वो बड़ा भाई है ना, एक दिन तुझे लंगोटी बांध कर घर से निकाल देगा। और तुमको क्या बांधेगा मामा? मुझे क्या बांधेगा, जो कुछ बांधना है मैं खुद बांध लूंगा। कमाल है, शोभा को समझाता हूँ तो अलग डांटती है, इस काम भर के छोकरे को समझाता हूँ तो ये भी मेरा बिस्तर गोल कर देना चाहता है। मेरा क्या है, एक दिन सब खुद बचता है। भैया भैया आज गीता का जन्मदिन है, तुम ऑफिस से जल्दी चले आना। मैं चलता हूँ। अरे सुन सुन, आज तो मुझे देर हो जाएगी। क्यों भैया? दो चार दिन में ऑफिस के काम कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे कश्यप जाना है। कश्यप? हाँ,
वह अपने डिजाइन के मैनेजमेंट से ठीक नहीं है, तू जाना है जाओ। अच्छा लेकिन भूलना नहीं, सुन अपना कोर्ट तो लेके जाओ। माँ ऑफिस जा रहा हूँ। माँ जाओ भगवान तुम्हें सुखी रखे हमेशा, फूलों को आ रहे। हाँ माँ। तो जब भी जाता है मुझे आशीर्वाद लेकर जाता है, और वो तो उनसे मिलता भी नहीं। वो बच्चा है माँ, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा आइए। गीता, गीता चाची, गीता कहाँ? वो टेलर से फाइनल ट्रायल के लिए गई है। आपकी कलकत्ते वाली बेबी को ले आए। आपने मुझे फिर बेबी कहा? जी तेरे को बेटी, सुखी रहो, घर में सब अच्छी तरह से था। गीता, मैं अरुण बोल रहा हूँ। आपकी बेबी सिस्टर को एयरपोर्ट से घर ले आया, अब फरमाइए और क्या हुक्म है। कहाँ से बोल रही हो तुम? टेलर शॉप से। ओ, उसकी तो दुकान भी चमक गई होगी। और किस्मत मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ सूख रहा हूँ। सूखने की क्या जरूरत है, यहाँ चले आओ। देखो ना, आज बर्थडे पार्टी है और अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। तुम जल्दी चले आओ, आ रहे हो ना? आऊंगा कैसे, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। तुम्हारा हुक्म सर आप पर, अभी आया। अच्छा देखो, टेलीफोन जरा शीला को देना। ओ बेबी, आपका टेलीफोन। हाय बीबी, डबल मुबारकबाद। डबल मुबारकबाद काहे की? एक तुम्हारी बर्थडे के लिए और एक तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। लड़का अच्छा है। कौन सा लड़का? वही जो तुम्हारे इंतजार में सूख रहा था। ओहो, तू अरुण के लिए कह रही है? उसे तो मैं छोटे भाई की तरह समझती हूँ। मगर वो तुम्हें कैसे प्यार करता है, मुझे उसकी बातों से तो लगता है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। सारा रास्ता मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। मेरे बारे में? समझ गई, लगता है लड़का तुझे पसंद आ गया है। क्या हो तो सीट बिल्कुल खाली है। दीदी दीदी ओके, सी यू। Yeah.
दीदी, फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। कैसे हो राजू? बिल्कुल अच्छा। हाथ मत लगाओ, बहुत गर्म। अरे ये पटाखा कौन है? राजू तुम बच्चे के बच्चे रह गए, ये पटाखा नहीं मेरी सिस्टर है, समझे? ओ आपकी सिस्टर, नमस्ते जी। ये चौधरी का चांद है या आफ्ताब? कितने दिन कहाँ छुपी थी आप देवी जी? राजू ये क्या बता दीजिए, अब कुछ ज्यादा बोल गया मैं? आपकी तारीफ। अरे कमाल है, आप इन्हें नहीं जानती? ये हमारे मामा जी के गधे। गधे? जी हाँ, ठीक ही कहा, मगर ये मत भूलिएगा मैं आपका छोटा भाई भी हूँ। ठीक है ठीक ठीक है, आप सामान निकालेंगे या बकवास करते रहेंगे? चाबी की गाड़ी। क्या चाबी की गाड़ी? क्या गाड़ी की चाबी दीजिए ना। ठीक है, गाड़ी में जाइए। गाड़ी वहाँ है। यहाँ क्यों चले आए? तन्हाई के लिए। तन्हाई कब से अच्छी लगने लगी? क्यों? तन्हाई सिर्फ प्यार करने वालों के लिए होती है। मैं भी किसी से प्यार करने लगा हूँ। किससे? ये तो अपने धड़कते हुए दिल से पूछो। वो तो कहीं खो गया है। कहाँ? अपने दिल से पूछो गीता। इन पहाड़ियों की ठंडी रातें भी दिलों में आग लगा देती हैं। जी चाहता है रात भर तुम्हारे साथ जागती रहूं। गीता, तुम्हारी सांस इतनी तेज क्यों चल रही है? जिंदगी के नजदीक हो गई है इसलिए। तुम इतनी सिगरेट ना पियो। क्यों? घर से कोई निकल ही नहीं रहा है। इन औरतों से तो सिर्फ हनुमान भगवान ही बेटा। 10 बार कंघी चोटी करेंगी, 15 बार साड़ी बदलेंगी, तब तक सारा प्रोग्राम कपड़ हो जाएगा। चले एक तो आ गए। और सब कहाँ है? आ रहे हैं, मगर हम जा कहाँ रहे? मेले में। यहाँ साल में एक बार मेला लगता है, आदिवासी प्यार का त्योहार मनाते हैं और अपनी चाहत के लिए सब नाचते हैं। आप भी नाचेंगी और मैं भी नाचूंगा। आपके साथ कौन नाचेगा? अरे वारे 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 वाह, चाहत तो बड़े बड़ों को नचा देती है मेम साहब। लैला को मजनू के साथ, चीरी को फरहाद के साथ, हीर को राजा के साथ, शीला को राजू के साथ और राजू को शीला के साथ। Will you shut up? अरे 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 ये क्या हो रहा है? हा? राजू से कह दीजिए ठीक तरह से बात करें। अरे वे गधे, चांस मारता है क्या? देखिए भाई साहब, आप शीला की साइड मत लिया। गीता दीदी नाराज हो जाए। क्या मतलब? मुझे पिताजी ने चिट्ठी में सब लिख दिया। गीता दीदी आपको प्यार करती है, मुझे मालूम। दिल की सुन ले कहानी, ओ दिल भर जानी। मेरे दिल की सुन ले कहानी, ओ दिल भर जानी। मेरे दिल की सुन ले कहानी, ओ दिल भर जानी। तेरे सदके मेरी जवानी, ओ दिल भर जानी। मेरे दिल की सुन ले कहानी, ओ दिल भर जानी। मेरे दिल की सुन ले कहानी, ओ दिल भर जानी। बन गई मैं तेरी दीवानी, ओ दिल भर जानी।
गई सुन ले कहानी। मैं तुमसे नहीं बोलती। सवेरे तो बोलेगी ना।
me dream. ये खाली 50 रुपए या 250?
250 रुपए होने चाहिए उसको। फिर खाते में क्यों नहीं लिखा? राजू ने कैशियर को नहीं लिखवाया होगा। क्यों? क्या बताएं साहब, राजू आजकल ध्यान से काम ही नहीं करता। ओ अच्छा ठीक है, आप कैशियर से कुछ हिसाब पूरा कीजिए, मैं उसको देखता हूँ। जी अच्छा। राजू हाँ भैया, इधर आओ। ये सब क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? समझा नहीं, काम में तुम्हारा दिल नहीं तो वाकई बिजली चमक रही। मैं तो हट जाता लेकिन उस बेचारे का किसका? मेरा मतलब है राजू से। वो बेचारा आज काम से वो राजू वो बेचारा आज मर गया। मरने दो, तुम्हें उससे मुझे कुछ लेकिन मुझे उस पर तरस आ रहा है। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है कैसे चोरी करके भागा है। मेरे सामने उसका नाम भी मत ले। ओ, लेकिन कहाँ घूमने घूमने आप जाइए, मैं गीता को लेकर आ रहा। अरे सुनो तो क्या हुआ? तो मेरे साथ चलो। अरे अरे अरे, अरे कहाँ ले चली? लेकिन तुमसे भी जाइए। अच्छा नमस्ते। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? आप तो कुछ समझते ही नहीं। क्या ऐसा नहीं लगता यहाँ की हर चीज कुछ कहना चाहती हो? क्यों नहीं, खूबसूरत लड़की को देखकर हर चीज एक ही बात कहलाती है। क्या? प्यार की। क्या सच कह रहा हूँ? ये नौ तीन पत्तों से पूछ कर देख लो, इन दस्तों से पूछ कर देख लो, सभी कहेंगे आई लव यू। सिर्फ आप क्यों नहीं करते? सच बताइए, क्या ये समान ये मौसम प्यारा नहीं है? जी हाँ, ये मौसम भी प्यारा है और आप। आपको हवाओं का गीत सुनाई नहीं देता? हवाओं का गीत? लगता है आपको हवा लग गई। आप हवा खाइए, मैं चला। करूंगी।
बेटी, बेटे, बेटे, अब उनको समझा दो, ये ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ, क्या ठीक नहीं है? वो मुझे हमेशा सताते रहते हैं। सताते रहते हैं? क्या कहते, क्या है? कहते हैं मैं बेबी हूँ। बस दीदी, क्या मैं अब तक बेबी हूँ? बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी जवान समझदार लड़की को बेबी कहना बहुत बड़ी गलती है। गलती है ना? तो फिर उन्हें डांटना चाहिए। जरूर डांटना चाहिए। लेकिन शीला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझे प्यार से बेबी कहकर छेड़ रहा हो? प्यार से? पता नहीं दीदी, तुम बात करके देखो ना, शायद तुम मालूम कर सको। जरूर पूछूंगी, पर मेरी रानी पहले आंसुओं की बरसात तो साफ कर लो, नहीं तो अरुण प्यार व्यार। जीजा, कहाँ रही तुम्हारी वो बेबी शीला? अरुण, तुम बहुत शरीर हो गए हो। सुना है आज तुमने शीला को बहुत सताया है। ओ, तो उसने तुमसे भी शिकायत कर दी है? शिकायत अपनों से ही होती है और मुझे भी तुमसे शिकायत है, समझे? मुझसे? क्या? यही कि किसी को ज्यादा रुलाना ठीक नहीं। क्या मतलब? क्यों, बहुत अकलमंद बनते हो और इतनी सी बात नहीं समझते। दिल नहीं करते हो और दिल की परवाह तक नहीं करते। दिल ही तो मजबूर हो गीता। देखो भगवान ने कितनी अजीब चीज बना दी, अगर वो दिल नहीं बनाते तो उनका क्या बिगड़ जाता। अगर दिल नहीं होता तो कोई पराया अपना कैसे बन जाता? जन्म जन्म का साथ कौन देता? अब जिंदगी में सबको एक साथी की जरूरत होती है। किसी को अपना दिल दे दो और उसके चाहत में अपना सब कुछ भूल जाओ। लेकिन कोई चाहत से यकीन करे तब ना। चल पगले, अपनी अपनी चाहत किसको प्यारी नहीं होती। तुम ठीक ही कहते थे, शायद प्यार के लिए है ना दीदी? हाँ हाँ बाहर था। अरे चलो कहीं घूमने चले। हाँ 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 चलो घूमने चले। चलो बाबा उंगली पकड़ लो। अरुण कैसी हैं देवी जी? हाँ क्यों तुम लोग लड़ते रहते हो? अरे भैया लो मुसीबत आ गई। ठहरो अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। एक प्राइवेट बात है, सुनिए आप कहिए प्लीज। आइए अरुण भैया प्लीज। ओह जरूरी बात, ऐसी भी क्या बात? आपके सौंदर्य भाई साहब ये दिन रात हिसाब किताब का क्या चक्कर चला रहे हैं? मेरे बाप ने भी चिट्ठी में लिखा और मैं भी देख रहा हूँ, दिन को हिसाब रात को हिसाब। क्या मतलब? ये हिसाब किताब का चक्कर बुरा होता, ऐसा ना हो जाए कि सारा पैसा वहां चला जाए और हिसाब किताब आपके हाथ में आ जाए। मैं तो होशियार रहने के लिए कह रहा था। कमीने, मेरे सामने मेरे भाई की शिकायत करता है, अपने बाप की चाल चलता है। मैं तो नेकी के जमाने में नेकी कर रहा था। नेकी के बच्चे बड़ा नेकी राम बड़ा पिता। चल क्या करें भाई, आप चलिए, मैं जरा इसकी खबर लेकर आता हूँ। छोड़ दो, अरे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला कमीना। मत मारो, तुम जाओ मैं देखता हूँ। कमीना कहीं का हड्डी बदलिया कर दूंगा। जब राजू वो भी मामा जी की आदत सीख रहा है, याद रखो इतने मरामत होगी कि अपनी चाल भी भूल जाओगे। चैन से रोटी मिलती तो चैन से रहा नहीं जाता। चलो यहां से। तू तो अभी भी कलकत्ते से आई है, मैं तो उसे बचपन से जानती हूँ। अरुण बहुत अच्छा लड़का है। बस बस दीदी, ज्यादा तारीफ मत करो, क्यों नजर लग जाएगी। और कहीं उसने सुन लिया तो सीधे मुँह बात भी नहीं करेगा। क्यों बात नहीं करेगा? अरुण तो बात किए बिना एक मिनट नहीं रह सकता। जी हाँ, और जब बात करता है तो न कसर होता है न पैर, ऊंट पंडा। मुझे तो उसकी ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। Thank you.
बता सकते हैं। बच्चे कब खुले? एक हफ्ते के बाद। डॉक्टर साहब, अरुण को किसी की तरह बचा लीजिए। अगर उसी को छोड़ गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा डॉक्टर साहब। अरुण मेरा भाई नहीं, मेरी जिंदगी है। मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा डॉक्टर साहब? इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ ने भरोसा करके अरुण को हमारे साथ भेजा था। ये नहीं, भगवान पे भरोसा। मैं उसे अपनी आंखें देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। अशोक साहब, आप इतने समझदार होकर बच्चों की अच्छी बातें करते हैं। बेटा जी, इन्हें आराम की बहुत जरूरत है, इन्हें घर ले जाइए। प्लीज। नहीं पिता जी, मैं अरुण को यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वो कभी अकेला नहीं रहा। अरुण अकेला नहीं रहेगा, शीला उसके पास है और मैं भी आ जाऊंगी। अशोक, माँ फोन पर सब कुछ बता दिया। कैसे हार हुई? तुमने सुन लिया ना माँ, मैंने तुम्हारे बेटे को जला रखा। अशोक, क्या तुम मेरा बेटा नहीं? नहीं मम्मी, मुझे अपना बेटा मत कहो। मेरे जैसे पापी तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। तुम्हारा अशोक मर गया, मां मर गया। मैंने दिवाली नहीं मनाई माँ, अपने पिता में आग लगा दी। बेटा, अपनी माँ के सामने ऐसे कठोर शब्द मत कह। क्या जाकर आराम कर क्या? नहीं माँ, अब मेरी जिंदगी में कहीं आराम नहीं। और एक पापी को आराम करने का अधिकार क्या है? मैंने अपने हाथों से बाप की जान ली है, भाई को जला दिया है। कौन जानता है नाम से बाहर क्या होगा, मां कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। जानबूझकर तो कोई भूल नहीं करता। जिसके कर्म में जो लिखा है उसे भुगतना ही पड़ता है। अशोक मां, मैं जानती हूँ इसमें तेरा कोई दोष नहीं बेटा, कोई दोष नहीं। देख तू लोगों का क्या हाल बना लिया है। बेटा, अपने ही आंसू चुनते चुनते उम्र बीत गई, अब तेरे आंसू नहीं बटोर सकते। पिता, क्या अशोक को पकड़ लेता? क्या पिता? लेकिन माँ, नहीं बिल्कुल नहीं। अशोक प्लीज जाओ, मैं आ रहा हूं उनके पास। आपको मालूम नहीं हुआ? मैं बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। मैं तो वही खड़ा था। तू टेलीफोन पर सब बता चुका है, और क्या कहना है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बड़े भैया ने जानबूझ कर ऐसा किया। ऊपर से छापने को कहा, वो नीचे से थोड़ी सी आतिशबाजी चला दी, बस सब चौपट हो गया। राजू, तू भी अपने बाप के रास्ते पर चलने लगा। खबरदार, फिर ऐसी हरकत की तो कान पकड़ कर बाहर निकाल दूंगी। तू रोना मेरी आंखों के सामने से। जी सब खबर हुई थी, कैसे रहा हूँ डॉक्टर साहब? आंखों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा? पट्टी खुल जाने दीजिए, मैं फिर कुछ बता सकूंगा। सब खुलेगी एक हफ्ते के बाद। अगर आप चाहें तो दो दिन के बाद इन्हें घर ले जा सकती हैं। बेटी, तुम अब जाकर घर पर आराम करो, मैं अरुण के पास बैठती। कौन? बेटे माँ, तुम भैया कहाँ है? मैंने उसे घर भिजवा दिया है, बहुत परेशान था। वो क्यों परेशान होते हैं? होने वाली बात को कौन रोक सकता है माँ? अच्छा बेटा, तुम अब आराम करो, ज्यादा बोलने से आंखों पर जोर पड़ता है। अच्छा माँ। एग्जामिन करूंगा।
आंखों में रोशनी नहीं लगनी चाहिए। ये देखिए, इनकी आंखों में रोशनी नहीं लगनी चाहिए और किसी किस्म का एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने फिर से एग्जाम कराने का खासतौर से इंतजाम करता हूं। बहुत जल्द क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरे सहारे जी रही हूँ? तू मुझे बेसहारा बना देना चाहता है? माँ, इन हाथों ने इस घर को बर्बाद कर दिया। पिता की जान लेने वाले, भाई को अंधा बनाने वाले ये हाथ, मेरे ये हाथ काट दो माँ, कुचल दे इन हाथों को। मुझे याद नहीं चाहिए माँ। सौगंध खाओ, मेरी सौगंध खाओ कि तुम फिर ऐसा कभी नहीं सोचोगे। माँ, भैया मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? अरे सवाल के लिए भैया वो सवाल। बेटा, मैं तो जन्म जन्म की अभागन हूँ। मेरा जीवन तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाएगा। सुन, तेरा भाई अभी अभी अंदर हुआ है, वो किसके सहारे जिएगा? भैया कहाँ है? ठीक नहीं कर सके तो क्या काली मिर्च से आंखें ठीक होंगी?
हो सकती है बेटा, तू नहीं जानता काली मिर्च से बहुत फायदा होता है। बीमार को लाल मिर्च नहीं देते, काली मिर्च देते हैं। मुझे नहीं चाहिए काली मिर्ची, महाराज को जाने दो, मुझे नहीं चाहिए आंखें। जिद मत कर बेटा, मैं बहुत मुश्किल से महाराज को ला रहा हूँ। मामा तुम सुनते क्यों नहीं, मैंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए ऐसा इलाज। मत करो भाई इलाज, कौन करता है तुम्हारा इलाज? अंधे के आगे रोने अपनी दीदे खोलो। मैं स्वयं तो यहाँ नहीं आ रहा था, तुम्हारा मामा जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया। अब तुम्हारे घर आओ तो साधु ने कहना जय शंकर। बड़ी कृपा है महाराज, मत आइए मत आइए आप। तूने साधु महाराज को नाराज कर दिया, अच्छा नहीं किया बेटा। अच्छा ये तो बता बेटा, क्या तुझे सचमुच कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं नहीं। अरे चलिए उत्ता जी शुरू करिए। भगवान तेरा भला करे। बुरा समय जब आता है तो किसी से कह के नहीं आता। मेरे भी दिल कहाँ फिरे तो साधु जी महाराज के चक्कर में फंस गया। साधु महाराज क्या हुआ? हाँ, अरे अरुण की आंखें दिखलाने के लिए, वो तो आने को तैयार ही नहीं थे। 15 नारियल फोड़े, 6 रुपए का हार पहनाया, जब आए लेकिन अरुण ने उन्हें भगा दिया। लाभ एक पाई का नहीं हुआ, वो ऊपर से अपनी जेब के 30 रुपए निकल गए। अब तो जहर खाने के लिए भी पैसे चाहिए ना। अभी तक ले लीजिए। कितना अच्छा लड़का है, बिना कहे सब कुछ समझ जाता है। भगवान इसका भला करे। अरे माधव तेरे लिए भी कुछ ले आ। मामा जी खाना सब खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया तो थोड़ा दूध ही ले जा। दूध? हाँ बाबा जी दूध। हाँ दूध दूध। हाँ बाबा जी खत्म हो गया। आज मैं सुबह सुबह दूध वाले की दुकान पर गया तो उसने कहा तुम्हें कौन सा दूध चाहिए, दुनिया में पहले सिर्फ एक किस्म का दूध मिलता था, अब तो कई किस्म के दूध मिलते हैं, जैसे कि गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, मुर्गी का दूध, डब्बे का दूध, पाउडर का दूध, उधर का दूध। बहुत लंबा करता है। अरे अशोक के बदले तो तू ही था तेरा भाई लगता है, वो तो बिना मांगे दे देता है और तू तो मांगने पर भी कुछ नहीं देता। अच्छा ठीक है मैं खुद। अशोक क्या है माँ? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, तुम भैया को यहाँ से निकालने का इंतजाम करो। लेकिन माँ। लेकिन लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं निकाल दूंगी। माँ तुम बहुत नाराज हो, मामा तो वैसे भी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, मैं आज ही उनके टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है ठीक है। कितना काम करता है। सच कहता हूँ भाई साहब के मरने के बाद तू ही सब कुछ संभाल सकता था, अरुण से ये धंधा संभाल नहीं सकता था। मामा ये है तुम्हारे पैसे। पैसे और ये टिकट। टिकट? अच्छा तूने मेरा टिकट कटवा दिया। नहीं मामा मैंने तुम्हारा टिकट बुक करवाया है। मतलब ये कि तू मुझे अपने घर तक खगाना चाहता है? नहीं नहीं, तुम भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहते थे, मैंने इंतजाम करवा दिया। बाप बेटा अपने घर से निकाल कर भगवान के घर भेजना चाहता है? कैसी बात कर रहे हो मामा, कितने दिन से तुम तीर्थ यात्रा के लिए कह रहे थे, भारत दर्शन के लिए रेलवे ने स्पेशल टिकट निकाला, मौका अच्छा है। हाँ अपने मामा को दूर सफर भेजना चाहता है। ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन बेटा याद रखना सफर पर अगर पैसों की कमी हो तो तार से मनी ऑर्डर भेज देना, कहीं बीच में ही लटका ना देना, न भगवान के घर जा सकूं न तेरे घर आ सकूं। अच्छा तो चलो। मैं कमिंग सर। ऑलरेडी वरिंग मैडम, इस वक्त तुम यहाँ क्या बात? बात कुछ भी नहीं, बस यूं तुमसे मिलने चली आई। हाँ। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ, काम से कभी फुर्सत मिलेगी है तुम्हें? चल कहीं घूमा। कहाँ? कहीं भी नहीं गीता, बहुत काम पड़ा है। ओहो जिंदगी कोई हिसाब किताब की मशीन नहीं है, कल कर लेना। चलो लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा तुम कह रहे हो तो चलना ही पड़ेगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, फिर बैठ जाओ काम करते। कौन शीला? आज गीता नहीं आई? कहीं गई होगी,
आ जाएगी। मैं भी कितना मजबूर हो गया, एक माचिस इधर से उधर हो जाए सिगरेट तक नहीं जला सकता। ऐसा क्यों कहते, मजबूर तो वो होते हैं जिनका कोई नहीं होता। तुम्हारे तो सभी बाहर चलोगे? कैसे चलूं? मैं नहीं चलती हूँ, चलो। एक मिनट, लेकिन गीता जब तक मैं अरुण के लिए कुछ तय ना कर लूं अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मुझसे ज्यादा उसको ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी देखभाल कर सके। लड़की घर संभालने के लिए ही तो पति के घर जाती है, और जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो क्या मैं अरुण की देखभाल नहीं करूंगी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तुम देखभाल जरूर करोगी, लेकिन देखभाल में भी तो फर्क होता है। अरुण के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो बीवी की तरह उसकी सेवा कर सके। तुम चिंता क्यों करते हो, ऐसी लड़की भी मौजूद है। कहाँ है गीता? क्यों, अपनी शीला? शीला? हाँ, तुम नहीं जानती शीला अरुण को कितना चाहती है। लेकिन शीला के माँ बाप मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मेरा भाई अंधा है। तो क्या हुआ? अरुण का मन भी तो जानना चाहिए, उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें बात टालने की आदत पड़ गई है? जबानी चाहत का दावा करते हो और हमेशा कोई ना कोई बहाना करके बात टाल देते हो। ठीक है, मैं कभी कभी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी। अरे बाप रे, तुम तो नाराज हो गए। मैं क्यों नाराज होने लगी? हमसे शिकायत हो तो ऐसी हो, कहे दुनिया के दुनिया में मोहब्बत हो तो ऐसी हो, हमें तुमसे तुम्हें हमसे शिकायत हो तो ऐसी हो। शुक्रिया तुमने हमें ये दिन दिखाया है, तुम्हारा शुक्रिया तुमने हमें ये दिन दिखाया है। चुराई नींद लूटा चैन दीवाना बनाया है, दीवाना जमाने में किसी पे भी इनायत हो तो ऐसी हो। कहे दुनिया की दुनिया में मुसीबत हो तो ऐसी हो, हमें तुमसे तुम्हें हमसे शिकायत हो तो ऐसी हो। नहीं क्या याद ये तुम तो हमारे हो चुके हो तुम, नहीं क्या याद ये तुम तो हमारे हमारे पास आ जाओ, वहीं पे क्यों रुके हो तुम, वहीं पे क्यों रुके हो तुम, किसी को भूल जाने की जो आदत हो तो ऐसी हो। कहे दुनिया के दुनिया में मोहब्बत हो तो ऐसी हो, वादों की ये वादा आज कर
ये वादा आज करना है। हमें है नाज किस्मत पर, जो किस्मत हो तो ऐसी हो। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। देख सकते हो तुम? मेरी आंखों में देख। मैं आंखों से नहीं देख सकता, दिल की धड़कन से देखता हूँ, आहट से समझता हूँ, खुशबू से पहचानता हूँ। कंघे तक नहीं की। जी चाहता है तुम्हें मैं रोक लूं हमेशा के लिए। गीता, कई दिनों से मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था। क्या? गीता, मालिक ने बुला रहे। अच्छा जाती। गुड नाइट। गुड नाइट गीता। ऑफिस से आने में देर होगी, तू तो आज कहीं घूमने भी नहीं गया होगा। गया था शीला के साथ। अच्छा, मैं कपड़े बदल लूं फिर खाना खाने चलते हैं। अच्छा। दीदी, मेरा फोन खत्म हो गया है, मैं तुम्हारा लगाऊं? अरे दीदी, कुछ पूछने की बात है, लगा लो। क्या बात है? मैं कलकत्ते जा रही हूँ, सोचा आप सबसे मिल। वो तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया, बस अब आता ही होगा। अरुण अपने कमरे में है। मैं अपने आप।
आपकी साइड से मुझे एक सीट दे दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है प्लीज। मेरा साथ टैक्सी तैयार है, मेरा सामान गाड़ी में रख दो। मगर घर में माँ जी भी नहीं है, गीता दीदी भी नहीं है, आप उनसे मिले। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें फोन कॉल कर लूं। भैया क्या है? वैसे कोई खास बात, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? हाँ हाँ, माँ घर में अकेली है, कुछ उनको भी तो आराम मिलना चाहिए। हाँ, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, शादी का नतीजा कौन जानता है, और पता नहीं घर में कैसी बहू आए। हम लोगों ने तो किसी के कहने सुनने का कोई असर लिया नहीं, और भाई बात यह है कि जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए मैं अपने बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, लड़की मौजूद है। मौजूद है? हाँ, वो जानती है कि मैं अंधा हूँ, फिर भी मुझे चाहती है। कौन है वो? तुम सुनोगे तो खुश हो जाओगी। गीता। गीता? हाँ हाँ, राजीव से क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं? चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? ये तो खुशी की बात है, वो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उससे बात कर लेता। मैंने तो अभी तक माँ को नहीं बताया, चाहता था सबसे पहले तुम्हें बताऊं। अच्छा, जाओ भैया। चाचा जी, मैं आपसे कुछ मांगने आया था। जो बेमांगे देता है उसने तो मेरे दामन में कांटे ही कांटे भरे। आप मुझे एक फूल दे दीजिए जिससे मेरा घर बच जाए, मेरे घर की रोटी धोती चार दीवारी में फिर से हंसी की भर आ जाए। तमन्ना तो मेरी भी यही थी कि दोनों घर एक हो जाए। आपकी तमन्ना मेरी जरूरत है चाचा जी, मैं दुनिया में अकेला हूँ, ऑफिस देखूं या घर संभालूं, माँ कब तक एक बेसहारे का सहारा बनी रहेगी। मुझे अरुण के लिए गीता चाहिए चाचा जी। अशोक, एक माँ से पूछो उसके दिल में क्या क्या तमन्नाएं होती। मैं वादा करता हूँ चाची, गीता को उस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बेटा, पैरों तले मखमल का फर्श बिछाने से आंखों का कांटा नहीं निकलता। तुम खामोश रहो, अब तो जमाना नहीं रहा कि माँ बाप जिसके साथ चाहे बेटी ब्याह दे। गीता समझदार है, वो अपना बुरा भला समझ सकती है। बेटा, मैं तो गीता से पूछ नहीं सकता, तुम बचपन से साथ खेलते रहे हो, तुम पूछ लो। अगर वो मंजूर करेगी तो मैं वादा करता हूँ मुझे कोई इनकार ना होगा। चलो। रोशनी मांग रहा है। रोशनी? एक घंटे के लिए। मैं समझी नहीं, अरुण कब तक अंधेरे में ऐसा रहेगा, उसे कुछ सहारा तो चाहिए। अशोक, मैं रही थी, मैंने तो शीला से बातें की थी। हाँ, शीला की बातें तो अब कहानी हो गई। क्यों? अरुण शीला को नहीं चाहता। तो फिर? गीता, गीता तुम मेरी मजबूरियों को क्यों नहीं समझती हो?
मैं अरुण से वादा कर चुका हूँ, एक बार हाँ कह दो गीता, एक बार हाँ कह दो, मेरा घर आबाद हो जाएगा। अगर तुम चाहो, अपनी चाहत नहीं, अपनी चाहत नहीं, मुझे मजबूर न करो, मुझे मजबूर न करो। अशोक, तुम अरुण को समझाते क्यों नहीं? मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने अंधे भाई को अपना दिल दिखा सकूं। अगर तुमने हिम्मत नहीं तो चलो मैं चलकर उनसे बात करती हूँ। नहीं गीता, नहीं, अगर उसे पता चल गया कि तुम उसे नहीं मुझे चाहती हो तो वो जिंदा नहीं रहेगा। कैसे जिंदा नहीं रहेगा, वो कोई बच्चा तो नहीं, समझेगी तो पूरा समझ जाएगा। गीता, मैं अरुण को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मर बच्चा है, मौत नहीं, उसे जीने दो। मैं तुमसे बार भीख मांग रहा हूँ, तुम एक बार हाँ कह दो गीता। हाँ नहीं अशोक, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो ठीक है, मैं तुम्हें सौगंध देता हूँ, उसे समझाने का ख्याल से मेरे घर पर कभी मत आना, और अगर आओ तो मेरी लाश पर आओ। आज इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? अब काम था ना। ऐसा भी क्या काम था भला? कुछ नहीं माँ, कहा ना काम आज ज्यादा था। जल्दी से माधव, खाना लगाओ। शोक साहब का भैया, अरे तुम अब तक सोए नहीं? सो, तुमने बात की थी? हाँ गया था मगर बात नहीं हुआ। क्यों? गीता बीमार है। बीमार है? क्या हुआ, ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं? नहीं, मामूली सा बुखार है। अशोक, खाना परोस दिया है। आया माँ। क्या हुआ अशोक? हाँ बात क्या है? कुछ नहीं माँ। तुम इतने उदास क्यों हो? उदास नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे ख्याल से मैं कुछ समझती नहीं, सच सच बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? हाँ माँ, मैं कुछ छुपा रहा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम नाराज हो जाओगी। बात यह है कि आज मैं बाहर से खाना खा के आया हूँ। अच्छा। माधव जी, बर्तन उठाना, सामने खाना खाएंगे। और आप? मुझे भी भूख है। अजीब बात है, एक खाता है तो दूसरे का पेट कैसे भर जाता है? माँ नहीं खाएगी तो बेटा भी नहीं खाएगा, बेटा नहीं खाएगा तो माँ भी नहीं खाएगी, दोनों मर्द ही कैसे भूखे रहते हैं? बर्तन हमको साफ करने पड़ते हैं। हेलो, कौन? चाची, मैं अरुण बोल रहा हूँ। गीता की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत ठीक है। चाची, चाची, गीता के घर ले चलो। गीता के घर? हाँ हाँ, अभी इसी वक्त डाका पड़ गया था सरकार,
हाँ सरकार, ठीक इसी समय साथ वाले बंगले में दो साल पहले जब चोरों को मालूम हुआ घर में कोई नहीं तो घर का सभी सामान ले गए। इसी तरह मैं आपको लेकर बाहर चला जाऊं, जब चोरों को मालूम होगा घर में नौकर तो नौकर मालिक भी नहीं तो घर का सभी सामान नहीं ले जाएंगे। सरकार पता ना करो, मुझे पिता सरकार ये शाल ले लीजिए, बाहर बहुत सर्दी है। चलो चलिए चलो और घर श्री है। ओ माली देखो, मैं छोटे साहब को गीता के घर ले जाता हूँ। हाँ तुम जरा घर का ख्याल रखना। हाँ चलिए साहब चलिए, देखिए आगे सीढ़ी है। चलिए चलिए चलिए, शाबाश शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता, शाबाश 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 साहब, आगे सीढ़ी है, आहिस्ता आहिस्ता शाबाश। हाँ ऐसे चलो चलो। माँ जरा माधव तो भेज देना। हाँ माधव नहीं है साहब, छोटे बाबू को लेकर गीता दीदी के यहाँ गया है। गीता के घर कुछ नहीं। वो कैसे मर सकती है माँ, बोलो माँ।
क्यों? भगवान गीता मरी नहीं, लेकिन गीता मर चुकी है। गीता दीदी, गीता दीदी, क्या है यहाँ चुप करके खड़े? गीता दीदी, दूल्हा को गाना सुनाना है। लो गीता दीदी आ गई। गीता दीदी अब गाना सुनाएंगी। अच्छा समझा। रात दुल्हन बनी, रात दुल्हन बनी, चांद दूल्हा बना, हार यूँ ही कब तक रोती रहती थी?
तो जाकर अशोक से साफ साफ बात करना चाहती। वो मुझे अपने घर से नहीं आने देते। भाई की मोहब्बत में मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं अशोक असल का अंधा हो गया है। तू तो अंधी है। लेकिन मैं क्या करूं, वो उन्होंने मुझे कसम दे रखी है मामा। कसम कोई ऐसी तलवार नहीं जिससे किसी बेगुनाह का गला काटा जाए। जिस कसम से किसी की जिंदगी बर्बाद होती हो उस कसम को तोड़ देना चाहिए। आंसुओं से किस्मत नहीं बदलती बेटी। तू अरुण से मिलकर साफ साफ बातें नहीं कर लेती। तुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना होगा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। कब आई हो? कल ही आई हूँ चाची। माँ और बाबा कैसे हैं? सब ठीक है चाची। आपके सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरुण तो ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के लिए गया है और अशोक उसके साथ चला गया है। ओह चाची, आपकी तबीयत कैसी है? मेरा क्या है, न सामान आ गए न भादों सूख है, बस जैसी थी वैसी हूँ। चाची क्या बात है, बताइए ना। जरूर कोई बात है। आपको मेरी सौगंध देगी तो नहीं? अशोक ने सौगंध देकर मुझे चुप करा दिया। तुम सौगंध देकर मुझसे पूछना चाहती हो? मैं क्या कहूँ? अशोक ने अरुण से कह दिया। भगवान ना करे कि गीता मर गई। ठीक ही कहा उन्होंने, मैं सबके लिए मर गई हूं, आपके लिए, अरुण के लिए, उनके लिए। परमात्मा करे तुम जीती रहो बेटी। आप ही बताइए ये भी कोई जिंदगी है जिसके लिए जी रही हूं? उसके लिए बोझ बन गई है। आपको तो सब कुछ पता था, आपने अरुण को पता क्यों नहीं दिया? मैं तो बता देना चाहती थी मगर अशोक ने मुझे कसम लेकर रोक दिया। बस उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा, मां मैं अरुण से नहीं कह सकता कि गीता उसे नहीं चाहती। और ये कह सकते थे कि गीता मर गई? वो किस कुतुर पर सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? इसे तो अच्छा तो अपने हाथों से मेरा गला घोट देते, कम से कम उनका उनका झूठ तो सच हो जाता। चाची अब अरुण का प्रोग्राम कहाँ है? कलकत्ते में एक हफ्ते के बाद। मैं अशोक से मिलने जा रही हूँ। भगवान सबकी आशा सफल करे। बस कर अरुण, बहुत मेहनत की, अब आराम करो। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, आंखें के स्पेशल डॉक्टर मोहन मेरे दोस्त थे, मैं उनके पास जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? उन्होंने तसल्ली दी है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी आप अकेली जा रही है, बड़े भैया मुझे बाजी पर लटका देंगे। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता, चल जल्दी कर। कैसे चली आई? जैसे तू चली आई
मुझे इतना भी नहीं बताया कि अरुण के साथ तेरी क्या बातें हुई थी। सॉरी दीदी, मैं ऐसी बात तुम्हें कैसे बताती। अच्छा ये बता, अशोक और अरुण यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? क्या? मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। दीदी मैं कल रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, इतने में अशोक भैया आ गए। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो अरुण को वहां से लेकर फौरन चले गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो नहीं समझेगी। अरुण का प्रोग्राम कब है? आज शाम को। मचाने की आवाज सुनी थी। हाँ मैं तो डर गया था, अगर इस बहाने लोगों ने रायट शुरू कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी लेकर चलाया। अच्छा ही किया भैया, लोग तो शुरू से ही गड़बड़ कर रहे थे, नाच देखने के लिए तो तैयार ही नहीं थी। पता नहीं उस लड़के ने कैसे संभाल लिया। भैया कौन थी वो लड़की? कौन? वही जो नाच रही थी। होगी कोई नई लड़की? उसकी आवाज गीता जैसी थी। गीता? मौत के पर्दे के पीछे से कोई आवाज नहीं दिया करता। हाँ भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो हर घड़ी मेरे दिल में छुपकर मुझे आवाज दे रही हो। देख रो, इस तरह घड़ी घड़ी उसे याद करना ठीक नहीं, अब तो जैसे भी उसे भूलना ही पड़ेगा। अच्छा अब आराम कर, मैं फोन करता हूँ, अगर आज रात का प्लान मिल गया तो आज ही हम घर वापस चले जाएंगे। लेकिन भैया हम तो कल जाने वाले थे ना, काम तो खत्म हो गया, अभी यहाँ रह के फायदा क्या? मैं फोन करके आता हूँ ना। अच्छा भैया।
तुम्हारा पहनाया हुआ कपड़ उतारते नहीं है। क्या मतलब? बता सकते हो तुमने मेरी मौत की खबर क्यों मशहूर कर दी? ये तुम नहीं समझते। ठीक है, मैं उनको समझा लूंगी। मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम किसी की जरूरत क्या जानो? अपने से अपनी लाश उठाई नहीं जाती। मैं फैसला करके आई हूँ कि जिंदा हूँ तो इस दुनिया में मुझे जिंदों की तरह जिंदा रहना होगा। किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए तो जी रही हूँ, कैसे भी जी चाहे जियो। दूसरों के दिल का घाव क्यों हरा करना चाहती हूँ? चलिए यहाँ से। मैं अरुण से मिले बिना नहीं जाऊंगी। तुम किसी की जिंदगी से खेल नहीं सकती। हम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं गीता, मर चुके हैं गीता। अशोक चले जाओ गीता, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कौन कौन है? क्या बोली थी दीदी? मुझे कैसे निकाल दिया? अकेले से क्या फायदा? तो मत दीदी। दीदी कहाँ गई वो? कौन? गीता। गीता, गीता यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है। गीता मरी नहीं भैया, वो अभी तुमसे बातें करेगी। अरुण, तुम्हें धोखा हुआ है। कभी कभी किसी की आवाज किसी से मिल जाती है। चलो सो जाओ। छोड़ो मुझे। तुमने हमेशा मुझे अंधा समझकर धोखे में रखा, लेकिन अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरुण, क्या तुम समझ रहे हो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला और मैंने हमेशा तुम्हारे झूठ को सच। तुम जानते थे अंधे का विश्वास भी अंधा होता, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि भाई का दुश्मन नहीं भाई हो सकता। गीता को चाहते थे तो मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता, लेकिन अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझे अंधा बना देना तुम्हें शर्म नहीं है? ये सुनने से पहले अगर मैं मर जाता तो अच्छा था। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, गीता के जिंदा होते हुए तुमने मुझसे क्यों कहा कि गीता मर गए? बोलो, बोलते क्यों नहीं? अशोक से क्या पूछ रहा है? वो नहीं बता सकेगा, मुझे पूछ। माँ, अच्छा हो गया तुम आ गई। अपने लाडले बहन का झूठ तुमने भी सुन लिया। अरुण, आज तेरी जबान इतनी लंबी हो गई कि तुम बिना सोचे समझे बड़े भाई को झूठा कहने लगे। सच्चा है मुझसे तो। अब सच की बात सुनकर क्या करूंगा माँ? तुमने भी तो कहा था कि गीता मर गई है। मगर क्यों कहा था? ये तो पूछा होता। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कहा था? किसने कहा था? तुम चुप रहो माँ, चुप रहो। ये मुझे कह रहे हैं ना, कहने दो। वो सच्ची बात है, तू क्यों नाटक रचा है? अच्छा तो ये नाटक मुझे अंधा बना का खूब नाटक रचाया तुम लोगों ने। मामा ने मुझे कितना समझाया, इसे तेरे पिता की जान ले लिया तुझे अंधा बना दिया, लेकिन मैंने हमेशा इसे देवता समझा। ये मेरा भाई नहीं, कुछ कर रहा है। माँ, तुम इसकी तरफ दारी क्यों? ये तो तुम्हारा अपना है, तो चलो बेटा तुम। मैं ठीक, मेरा मालिक भी भगवान है। माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी के नीचे? हाँ, उस रोड पर।
अकेले जा रहे थे, मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया है, आप चलिए ना हॉस्पिटल। लेकिन अशोक, रामू, रामू आया माँ जी। आप तो है रे, पता नहीं बाहर में। मैं भैया को फिर आकर नहीं जाऊंगी, नहीं तो दीदी को भेज दूंगी। आप चलिए ना जल्दी। बहुत सुंदर हो तुम। अच्छा हुआ
आपको नई आंखें मिल गई, मैं खूबसूरत लगने लगी। काफी समझदार हो गई है बेबी। मुझे फिर बेबी कहा जाओ कहा जाऊं?